चक्रवात अम्फान के चलते हिमाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल जाने वाली स्पेशल ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन में 1000 से अधिक यात्रियों को स्पेशल ट्रेन हिमाचल प्रदेश से पश्चिम बंगाल लेकर जाने वाली थी। विशेष ट्रेन 20 मई को अम्ब रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के हावड़ा रवाना होने वाली थी, लेकिन चक्रवात के कारणों से कैंसिल करना पड़ा। ऊना जिले के 15 लोगों सहित पश्चिम बंगाल के 1400 लोगों ने अपने घर लौटने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब इस ट्रेन की रवानगी की नई तारीख का ऐलान जल्दी ही कर दिया जाएगा। चक्रवाती तूफान अम्फान से होने वाले नुकसान से बचने के लिए एहतियातन कोलकाता हवाई अड्डे को 21 मई की सुबह 5 बजे तक बंद कर दिया गया है। चक्रवात अम्फान के अगले हिस्से ने दस्तक दे दी है और उसके केंद्र वाला हिस्सा, जिसे वैज्ञानिक आई कहते हैं, कभी भी जमीन की सतह से टकरा सकता है। इस वक्त अम्फान सुंदरबन के पास पश्चिम बंगाल तट के दीघा और बांग्लादेश के हाटी आइलैंड को बीच से पार कर रहा है। अम्फान लैंडफॉल की प्रक्रिया 2 से 3 घंटे तक चलेगी। मौसम विभाग के निदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि चक्रवात के कारण भारी संख्या में पेड़ उखड़ेंगे, कच्चे, मिट्टी, घास फूस और टीन के घरों को भारी नुकसान पहुंचेगा। हवा की सबसे ज्यादा रफ्तार साउथ और नॉर्थ सर्विस परगना ईस्ट मिदनापुर जिलों में होगी। यहां इसकी स्पीड 155, 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो जाएगी। ये रफ्तार लैंडफॉल की प्रक्रिया के साथ बढ़ना शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली आसपास के जिलों में आज भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर तटीय ओडिशा में भी आज बहुत भारी वर्षा की उम्मीद है, लेकिन कल से ओडिशा में बारिश की संभावनाएं नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अम्फान ने आज दोपहर 2:30 बजे के करीब पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हाटिया द्वीप पर लैंडफॉल किया। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के शुरुआती समय में हवाओं की स्पीड 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हवाओं की रफ्तार 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। दोपहर 3 बजे के आसपास कोलकाता हवाई अड्डे पर हवा की रफ्तार 76 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब अम्फान कोलकाता के करीब से गुजरेगा तो इसके निचले इलाकों में पानी भरने और भारी नुकसान की संभावना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज़ हिंदी को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, हमारी खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।